अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये कार्ड एक हमारे पास आया है वेल्डिंग मशीन का। इस कार्ड के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसकी पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही। इसकी जो लो वोल्टेज की पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की, वो अवेलेबल नहीं हो रही। तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं और वो कैसे रिजॉल्व की जाती हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इसको हमने पावर दिया है, देख लें, ये ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू हमने इसको पावर दिया है। एसी इनपुट है इसकी और डीसी आउट कर रही है। ये हमने इसके साथ कनेक्ट किया है जी, और पावर के साथ 220 हमने इन किया, लेकिन यहाँ पे इसकी जो आउटपुट की पावर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये देख लें, मीटर इसका 00 शो कर रहा है। तो अभी इसकी तफसीलात जो है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं कि इसके अंदर क्या मसाइल हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ख़राब हैं और वो कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 311 वोल्ट डीसी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। हमारे पास 300 वोल्ट इधर जो है ना वो आ रहे हैं। ये जो टेस्ट पॉइंट हैं ये वाले, इधर हमने जब चेक किए तो इधर पावर अवेलेबल है, लेकिन आगे जो ये वाला आउटपुट टर्मिनल है और चापर के बाद जो रेक्टिफायर लगे हुए हैं, इधर हमारी पावर आउट नहीं हो रही। तो इसको डिटेल से चेक करते हैं और इसको जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं और वो कैसे ठीक होंगी। ये देखें जी, इसके अंदर आईसी लगता है, ये वाला यहाँ पे एक आईसी लगता है जो हमने बाहर निकाल दिया है, LNK626। ये आप चेक कर सकते हैं। LNK626 ये US है। इसकी एक लेग भी जो है ना वो ब्रेक है, तो इसको जो है ना वो हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम आईसी बेस लगाएंगे और आईसी बेस के बाद इसके अंदर हम एक आईसी लगाएंगे LNK626 और इसको फिर जो है ना वो चालू करेंगे। तो ये नया वाला आईसी हमने इसके अंदर लगा दिया जी। सॉकेट भी इसकी जो है ना आईसी बेस हमने लगा दी है पहले, और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो LNK626 इंस्टॉल कर दिया। तो अभी इसका हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, इसकी पावर आउटपुट कर निकाल रहा है चॉपर या नहीं निकाल रहा, और क्या इसका सिचुएशन क्या बन रही है। ये देखें जी, ये देख लें 26 वोल्ट अवेलेबल हो चुके हैं और पावर सप्लाई हमारी ओके हो गई है, और ओवरऑल जो कार्ड की आउटपुट है वो भी हम देख सकते हैं। ये देख लें, कार्ड की ओवरऑल जो आउटपुट है वो भी अवेलेबल हो चुकी है, और ये कार्ड अभी रेडी है और वेल्डिंग के काबिल है। तो वीडियो के दौरान अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको क्यूरी है किसी किस्म की रिपेयरिंग के हवाले से। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।